अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां समझौते का झांसा देकर महिला से कागज पर हस्ताक्षर करा लिए, लेकिन अब उसे ससुराल ले जाने से इनकार किया जा रहा है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सिमरिया थाने के चचाई गांव निवासी दुर्गा कुशवाहा ने बताया कि 2021 में उसकी शादी वीरेंद्र कुशवाहा से हुई थी। ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। मायके से बाइक लाने का दबाव बनाया जाने लगा, इसके लिए आए दिन मारपीट भी करते थे। महिला थाने में शिकायत की तो पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, लेकिन आरोपी समझौते का झांसा देकर शपथ पत्र में हस्ताक्षर करा लिए। जब वह ससुराल पहुंची तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, अब घर ले जाने को तैयार नहीं है। पीड़ित महिला शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बताइए कहाँ से आई हैं, क्या? मैं चचाई कुइयां से आई हूँ। हमारे पति हमको बहुत परेशान करते हैं। मेरी शादी 29 मई 5, 2021 को हुई थी, और इसके बाद मैं पहली बार ससुराल लाई। इसके बाद यहाँ से मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ गई। फिर जब मेरे को पुनः दोबारा बुला के लाए तो 10 दिन बाद मेरे को प्रताड़ित करने लगे। सब मिल गए, जेठ जेठानी और पति बोलते हैं कि तेरे माँ बाप क्या दिए थे हमको और दहेज में क्या दिए थे, जा एक मोटरसाइकिल ला तब मैं तेरे को घर में रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। ऐसे करते करते एक दो बार हो चुका था। मैं अपने माँ बाप को सबको बताई, उसके बाद समझाने का प्रयास भी किए, फिर भी उनके समझ में नहीं आया। इसके बाद मैं 2 बार रिपोर्ट भी की महिला थाना में। 2 बार रिपोर्ट करने के बाद दोनों बार ये हमको जट फुसला के घर से आते हैं तो बोलते हैं कि चल समझौता कर ले, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूँगा, ना तो प्रताड़ित करूँगा, अच्छे से रखेंगे, खुश कर रखेंगे। इसके बाद जब मैं दस्तखत कर देती हूँ तो हमको लेके जाते ही नहीं हैं, और फिर लेके भी जाते हैं, एक आध बार लेके गए तो फिर इसके बाद हमको वहाँ मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं कि मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपने भाभी भैया को नहीं छोड़ सकता हूँ। और उनके भाभी भैया भी बोलते हैं कि तू क्या बात करती है, तू क्या करती है, क्या नहीं करती है, हमें सब कुछ नॉलेज रहता है। इस तरीके से मेरे को प्रताड़ित करते हैं, और इसके बाद वो सब यहाँ रीवा में रहते हैं लतेहरा के पास, और वहाँ मैं अपने पति के साथ आई लेकर, तो मेरे को रूम से भगा दी, बोली कि तू यहाँ से चली जा नहीं तो तेरा यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ से ससुराल चली गई अपने घर। फिर घर जाने के बाद ये लोग फिर से मेरे को प्रताड़ित किए, मारपीट किए, घर से निकाले, तब भी मैं रही आई। फिर इसके बाद मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई तो मैं अपने बड़े पिताजी के पास चली गई दवा करवाने के लिए। फिर इसके बाद मेरे को ये लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, गलत इंजाम लगाने लगे। फिर इसके बाद जब मैं वहाँ से यहाँ महिला थाना में FIR दर्ज कराई तो मेरे मम्मी पापा के यहाँ आके 5-6 बार हाथ पकड़ के रोने लगे, गोड़ पैर गिरने लगे, बोले कि चलो मेरे साथ समझौता कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हो गया, फिर से मैं यहाँ चली आई तो जब मैं समझौता करके यहाँ से चली गई तो मेरे को वहाँ लेके ही नहीं गए, मेरे को यहीं छाड़ दिए। फिर मैं यहाँ फ़ोन लगाई अपने पिताजी के पास तो हमारे भाई और पिताजी आए तो हमको यहाँ से 8-9 बजे रात लेकर गए, और वहाँ मेरे को मैं गई तो घर से निकाल दिए, बोले कि तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है, तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, तुम्हारा यहीं कुछ अधिकार नहीं है। जो मैं कुछ गहना जेवर ली थी, शराब भी पीते हैं, शराब के साथ साथ मेरा सब कुछ छुड़ा के रख लिए, बेच खा लिए, अब हमको नहीं पता है कि ये हमारा सामान कहाँ है कहाँ नहीं है हमको। क्या नाम है आपके पति का? हमारे पति का नाम है वीरेंद्र कुशवाहा। और जेठ जेठानी का? जेठ का नाम है धीरेंद्र कुशवाहा और जेठानी का नाम है प्रिया कुशवाहा। थाने में आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई? जी, शिकायत दर्ज की हूँ, और उसके बाद मैं समझौता भी कर चुकी हूँ 2 बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा कुशवाहा है।